सारे बोलो जय माता दी। पीछे देखो जुबा केसरी खा के जय माता दी बोले थे। अरे कम खा करो कैंसर की बीमारी हो जाएगी। हैरान मत हो ये मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के पलरी का। अब सोमवार की सुबह करीबन भैया 21 साइकिल यात्रियों का जत्था निकला माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ। अब साइकिल चलाकर जाएंगे भैया बाराबंकी जिले से और बगैर पूरा गिरी हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ चामुंडा होते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचेंगे। वहां दर्शन करेंगे माथा टेकेंगे। अब इस दौरान बगैर अखिलेश यादव पहुंचे थे। अब बगैर समाजवादी अखिलेश यादव नहीं भैया इस समाज सेवी पलरी गाँव में रहते थे। अंगूछा डाल रखे थे और जय माता दी जय माता दी के जयकारे लगा रहे थे। अभी बकायदा अंगूछा वितरित कर रहे थे, फूलों की माला पहना रहे थे, मिठाई खिला रहे थे और सभी यात्रियों को रवाना कर रहे थे। अब ऐसे में अखिलेश से हमने पूछा कि भैया कई दिन से कार्यक्रम चल रहा है और बकायदा हर साल है चलता है कि पहली बार है। तो कहने लगा नहीं भैया नहीं, कम से कम 30 वर्षों से लगातार जब नवरात्रि शुरू होती है तो नवरात्रि के महीने में ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए सारे यात्री रवाना हो जाते हैं। अब कितनी बार 21 लोग जा रहे हैं, साइकिल चला करके जाएंगे और बकायदा नीलकंठ हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, उनके दरबार में माथा टेकेंगे। अब इस दौरान बकायदा देख लो सुरेंद्र दिख रहे थे, कुलदीप दिख रहे थे, बेनी दिख रहे थे, कपूर चंद दिख रहे थे, बहुत सारे लोग थे भैया, नाम बताते बताते थक जाएंगे। पर देख लो अखिलेश सभी का स्वागत कर रहे थे, सभी के आगे हाथ जोड़ रहे थे, फूलों की माला बना रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। फिलहाल दूसरी बार देख लेते। अब यो देखो भैया 6 दिन बाद बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। अब भैया 6 दिन तो हो ही गए, चौकीदार को बकायदा फूंक दिया गया, उसको मार डाला गया और कोई कातिल नहीं था भैया, ना कोई बदमाश था ना कोई दरिंदा था, उन्हें रिश्तेदार है निकला है कातिल। अब मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी पुरेंद्र सिंह द्वारा स्वयं सुन लो जरा कान खोल करके। थाना कोतवाली नगर में हत्या का मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, पीड़ित परिवार के कथन और CDR के नुस्खे से पाया गया कि पीड़ित परिवार का ही रिश्तेदार मनीष कुमार जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और लगातार वह इस परिवार से रंजिश रखता है, इसके पहले ही उसने 2 बार इनके ऊपर मिट्टी का तेल और डीजल डालकर इनको जलाने की कोशिश की थी। वह इस बार असफल रहा, उसने अंततः 30 तारीख को डीजल डाल करके आग लगा दी जिसमें घायल चौकीदार की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी का इलाज अभी चल रहा है। साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण करके आज अभी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा उसको जेल भेज दिया गया। अब रिश्तेदारों से सावधान हो जाओ भैया, बना तेल डालकर आग लगा देंगे। बताओ भैया रिश्तेदारी में फूफा लगता था, अपने फूफा को मार डाला, अभी तो जेल चले जाएंगे और पुलिस को पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन एक परिवार का क्या होगा जी का बाप मर गया हो। कमेंट कीजिएगा और वीडियो शेयर करना कदम मजबूत है। श्याम व्यासार्जी को खबर से मिलेगी। अरे सब्सक्राइब कर दो भैया, दबा दो बेल आइकन करके।